मैं इब्तिहाजुल आरिफीन 3A मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक और बार फिर हाजिर हूँ और आज हम आपके लिए लेके आए ब्लॉक ए का 120 स्क्वायर यार्ड का बंगलो। अच्छा, कोई भी बंदा बंगलो खरीद रहा होता है या फाइंड आउट कर रहा होता है अपने लिए, तो उसके लिए सबसे पहले एक ख्वाहिश होती है कि वो बंगलो जो है फीचर्स से भरपूर हो। अच्छा, मेरे बैक साइड पर आप ये बंगलो देख रहे होंगे, 120 स्क्वायर यार्ड का ये बंगलो है और पार्क फेसिंग बंगलो है। हम पार्क में खड़े हुए हैं, जैसे कि आप शाम में अपनी सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह के हवाले से बैठना चाहें तो बैठक यहाँ पे बन सकती है आपके आराम से। अच्छा बड़ा पार्क है, अगर आप सराउंडिंग में देखें पूरा बड़ा पार्क है और ये समझ लें एक तरीके से बस लिमिटेड लोगों के लिए ये पार्क है। जो इस पार्क के सामने रहते हैं उनका प्राइवेट पार्क एक तरीके से हम कह सकते हैं। बाकी फ़ीचर्स के हवाले से बात करते हैं तो इस पार्क की फ़ीचर ये है कि ये नियर टू मार्ट है, नियर टू मस्जिद है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके जो है यहाँ पे मार्ट भी है और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जामा मस्जिद जो ब्लॉक ए की मेन मस्जिद है वो भी यहीं पे है, जो कि हम आपको शॉर्ट्स में दिख जाएगा। चलें अब चलते हैं हम अपने बंगलों की तरफ। ये हमारा बंगलो का कारपोश एरिया है, कारपोश एरिया भी देखें फुल डेकोरेटेड है। यहाँ पे नॉर्मली लोग टाइल्स नॉर्मल सा टाइल लगा देते हैं लेकिन यहाँ पे भी टाइल अच्छा लगा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का टाइल लगा हुआ है। ये वॉल देखें, गैलरी की जो वॉल है आपकी गैरेज की वॉल, ये देखें ये भी कितनी डेकोरेटिव है। और फिर इसके साथ गली है, ये गली भी थोड़ी चौड़ी रखी है इन्होंने। और ये आपको लगेगा नहीं कि 120 गज़ का बंगलो है, 120 से ज़्यादा का ही लगेगा। मन जो होता है कि नया नाजाबाद में जो भी 120 गज का हम बंगलो देखते हैं तो वो क्या होता है कि वो थोड़ा हमें रूम्स का साइजेस छोटे लग रहे होते हैं और रूम छोटे लग रहे होते हैं, लेकिन वो ये बंगलो जो है ड्राइंग रूम से लेके बेडरूम तक सारे इसके आपको ऐसा लगेगा मास्टर बेडरूम है। और जो इसमें चीज़ें लगी हुई हैं डोर से लेके टायल और किचन वगैरह के हवाले से जो भी चीज़ें, बहुत ही आउट क्लास बनी हुई है। डेकोरेशन और एलिवेशन इसकी आपने देखी कितनी अच्छी हुई हुई है, इंटीरियर वर्क किस तरह का हुआ हुआ है। अब हम चलते हैं बंगलो की तरफ। ये हमारा बंगलो की एंट्रेंस आ गई, ये मेन एंट्रेंस है, साइड में एक और गेट दिख रहा होगा आपको, वो ड्राइंग रूम का गेट है। अच्छा अब देखें, ये हमारा लॉन्च एरिया है, इंटर होते ही सबसे पहले लॉन्च एरिया के साथ ओपन किचन है, अमेरिकन स्टाइल किचन है। किचन को दिखाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम ड्राइंग रूम पे चलेंगे। तो ये किचन आप देख रहे हैं, इसमें चूल्हे से लेके चिमनी सब एडवांस अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। और ये इसका जो कबर्ड्स वगैरह हैं ये भी अच्छी वुड वर्क हुआ हुआ है। ये नहीं कि एक होता है ना कि बंदे बनाते हैं वो तो हल्का सा कि भाई नॉर्मल सा लगा देते हैं कि वो लोकल वाला कि बस अट्रैक्टिव हो जाए, काम चले, काम चलाने वाला काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लगा हुआ है कि बंदे ने दिल से पैसा लगाया। फॉल सीलिंग का वर्क देखें आप, इसका फॉल सीलिंग का वर्क कितना अच्छा हुआ हुआ है लॉन्च पे। अच्छा उसके अलावा फिर इन्होंने साइड में यहाँ पे भी कबर्ड दिया हुआ आपको, ये देखें कबर्ड इधर भी इन्होंने एक्स्ट्रा, एक तो ऊपर तो कबर्ड दिए हुए किचन में लेकिन यहाँ पे साइड पे भी कबर्ड दिया हुआ है। और ये फ्रिज का एरिया, यहाँ पे आपका फ्रिज लग जाएगा। अच्छा लॉन्च के साथ ही यहीं से आपकी गैलरी है, ये बैक साइड की गैलरी है, इसमें आप देखेंगे गैलरी, तो गैलरी का स्पेस भी वॉशिंग एरिया के इसलिए यूज़ कर सकते हैं, आगे नल लगे हुए हैं वॉशिंग एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने ड्राइंग रूम की तरफ। ये हमारा आ गया है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का आप साइज देखिए खाली, कि इतना बड़ा ड्राइंग रूम है कि आपके आराम से बड़ी फैमिली बड़े ज़्यादातर मेहमान भी आ जाए तो आराम से एडजस्ट हो सकते हैं, पूरा सोफ़ा सेट लग के आपका अच्छा खासा बड़ा ड्राइंग रूम आपका है। ये तकरीबन कोई 12x13 से भी बड़ा स्क्वायर ड्राइंग रूम का साइज़ है। और फिर इसमें दो पंखों के लिए जगह दी हुई है, फॉल सीलिंग हुई हुई है टाइल्स के हवाले से। और ये आपका पूरा इधर यहाँ पे आप चाहें तो सीनरी लगा सकते हैं अपनी, या यहाँ पे कर्टेंस वगैरह लगा के आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसकी वेंटिलेशन के लिए ये खिड़कियाँ, एयर पास वेंटिलेशन के लिए ये आपकी खिड़की बनी हुई है, डबल साइड है, अंदर से भी है और बाहर से भी है, दोनों साइड से आप चाहें खोल सकते हैं इसको। अब हम इसी ड्राइंग रूम के साथ हमारा पाउडर रूम अटैच है, पाउडर रूम कह लें हम इसको, वॉशरूम कह लें, ये आपको कैमरे में दिखेगा, ये पाउडर रूम और वॉशरूम हमारा दोनों इसमें है। अब हम चलते हैं इस बंगलो के फर्स्ट बेडरूम की तरफ, फर्स्ट बेडरूम, और फिर उसके बाद हम इसका सेकेंड फ्लोर विजिट करेंगे।
अच्छा तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ गया है। फर्स्ट बेडरूम देखिए मास्टर बेडरूम है, बड़ा बेडरूम है, आराम से यहाँ पे आपका बेड और अलमारी वगैरह सब कुछ एडजस्ट हो सकता है। फॉल सीलिंग इधर अगेन, इधर की फॉल सीलिंग भी बड़ी अच्छी हुई है, अच्छी क्वालिटी का यूज़ हुआ है। खिड़की वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी दी हुई है यहाँ पे। और फिर इसका वॉशरूम देख लेते हैं, वॉशरूम की तरफ आते हैं। कैमरे में आपको दिखेगा इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है, सैनिटरी वगैरह अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी यूज़ हुई है इसमें, वॉश बेसन से लेके, और बड़ा अच्छा वॉशरूम है इसका। अब इसके साथ हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की जानिब। फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले देखिए सीढ़ियों के नीचे जो इन्होंने स्टोर के लिए भी स्पेस बनाया हुआ है, इसमें भी ये नहीं कि इन्होंने छोटी जगह है तो लकड़ी का कम इस्तेमाल करा, अच्छे बोर्ड्स इसमें इस्तेमाल करे हैं इन्होंने। अब हम चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अच्छा ये अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर का ये लॉन्च है हमारा, छोटा सा टीवी लॉन्च कह लें इसको, ये एरिया है, स्पेस है, यहाँ पे आप अपना टीवी लॉन्च भी बना सकते हैं, या अगर एक सेकंड किचन आप बनाना चाहें तो यहाँ पे सेकंड किचन, डर्टी किचन आप अपना बना सकते हैं। अच्छा उसके साथ यहाँ का प्लान है, एक रूम ये रहा, एक रूम वो रहा, और एक रूम पीछे है। चलें अब इसका रूम्स का विजिट करते हैं हम। ये हमारे आ गए हम फर्स्ट बेडरूम पे। ये फर्स्ट बेडरूम की फॉल सीलिंग, लाइटिंग और इसका साइज देखें कितना बड़ा है। इतने मैं बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ और रूम्स का साइज देखें। यहाँ पे आपके आराम से सारी जो भी बिस्तर हो गया, बेड हो गया या अलमारी हो गई, सारी चीज़ें आराम से आ जाती हैं। अटैच बाथ के साथ है ये, अटैच बाथ इसका बाथरूम देख लें आप। अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम ये हमारा है बिल्कुल एज इट इज, जैसे नीचे हमने फर्स्ट बेडरूम देखा है, फर्स्ट बेडरूम की साइज का ये सेकंड बेडरूम है हमारा फर्स्ट फ्लोर का। और इसी के साथ वॉशरूम भी है, वॉशरूम सारे बेडरूम जो है अटैच बाथ के साथ हैं, ये वॉशरूम और अटैच बाथ है इसमें। अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की जानिब। थर्ड बेडरूम जब हम देखेंगे इसका, तो थर्ड बेडरूम इसका वो भी सेम, बट जो मैंने आपको शुरू में बात बोली वीडियो के कि सारे बेडरूम्स मास्टर साइज बेडरूम है, और चीज़ों के हवाले से टाइल्स भी इसमें A1 क्वालिटी का लगा हुआ है, सैनिटरी से लेके डोर्स की जो वुड वर्क है सारा A1 प्लस है। ये अटैच बाथ है इस रूम का, आप साइज देखें, और इसके साथ फिर अटैच बाथ आपको दिखेगा कैमरे में, अटैच बाथ। बालकनी से व्यू भी देख लेते हैं हम इसका कि कैसा व्यू है। जैसे देखें ये हमारी बालकनी आ गई, और बालकनी के साथ ही देखें सामने पार्क है, और जैसा कि मैंने आपको बोला, अच्छा वो व्यू हम आपको छत से दिखाएंगे कि वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे मस्जिद भी है, और वॉकिंग डिस्टेंस पे मार्ट भी है, मिनी मार्ट ब्लॉके का जो मार्ट है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे, और मस्जिद भी वॉकिंग डिस्टेंस पे। और दूसरी बात जो मैंने एक बात कही थी वुडवर्क के हवाले से, तो ये आपको दिखेगा लकड़ी का कि किस तरह का इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है, वीडियो पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको जब फिज़िकली विज़िट करेंगे तो आपको जिस तरह मैं महसूस कर रहा हूँ आपको उससे भी अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आप तो अपने लिए लेना चाह रहे हैं, मैं तो फिर भी आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फिर इसके अलावा हम आपको अभी लेके चलते हैं इसकी रूफ़ की तरफ। अच्छा ये हम इसकी छत पर आ गए, और इस रूफ में ये हमारा एक एरिया है स्पेस, यहाँ पे आप अपने स्टोरेज वगैरह बना सकते हैं, या अगर आपका जैसे सोलर पैनल वगैरह लगाने का आइडिया हो, सोलर पैनल लगाने का मूड हो, तो यहाँ पे आप उसकी बैटरी वगैरह स्टोर कर सकते हैं, या दूसरी कोई भी चीज़ XYZ आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अभी हम आ गए रूफ पे, रूफ से हम आपको व्यू भी दिखाएंगे, लेकिन रूफ पे देखें पहले प्रॉपर मार्बल फ्लोरिंग रूफ है, और यहाँ पे आपका एक बाकायदा वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, ये वॉशिंग एरिया हमारा, यहाँ पे आप बकायदा अपनी जो भी काम करना चाहें, कपड़े वपड़े धोना चाहें, तो यहाँ पे आप छत पे आगे भी धो सकते हैं, और नीचे भी नलके दिए हुए थे वहाँ पे भी आप इसको धो सकते हैं। बाकी इधर से अब हम आपको दिखाते हैं मस्जिद वगैरह का व्यू। ये देखें बैक साइड पे ये हमारे पास पार्क है, पार्क से एक गली वो जा रही है और एक गली इस साइड से जा रही है। दोनों साइड से आप निकलेंगे तो सामने आपको मस्जिद का कैमरे में मीनार दिख रहा होगा, मस्जिद है
और उसी के साथ ही जो टावर दिख रहा है, टावर के नीचे आपका मिनी मार्ट है। तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, पार्क फेसिंग भी है, नियर टू मेन एंट्रेंस भी है, फीचर से भरपूर ये घर है हमारे पास, बंगलो अवेलेबल है। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन ए प्लस कंस्ट्रक्शन, लग्जरी कंस्ट्रक्शन है। तो इस बंगलों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए आप 3M मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और पर्सनली मुझसे रब्ता करना चाहे तो मैं प्याजुल आरफिन, मेरा नंबर 03102204963। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।